हाय फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र और हमारे चैनल का नाम है स्किल बिहार नंबर वन और दूसरे चैनल का नाम है दोस्त चंडीमा टेक चैनल। मैं क्या है यूट्यूब पे हमेशा से क्या है टेक्निकल इक्विपमेंट पे वीडियो लाता हूँ, चाहे कोई भी कलर प्रिंटर हो दोस्त, फोटोकॉपियर मशीन हो, सब पे मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैं यूट्यूब पे दो चैनल चलाता हूँ दोस्त, एक चैनल का नाम है स्किल बिहार नंबर वन, दूसरे चैनल का नाम है चंडीमा टेक चैनल। देखिए आज मेरे पास एक कस्टमर आए, उनका कंप्लेन ये था कि इनका जो इंक सिस्टम है ना, कहीं मैकेनिक के पास गए तो वो क्या है इंक ये पेपर फीडर चेंज किया और इंक सिस्टम का पाइप रैट ने काट दिया था, चूहा काट दिया था, तो पाइप चेंज किया तो अभी इनका इंक सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है। वो बोले कि वो हमारे से नहीं होगा, यहाँ से ले जाइए। तो चलिए मैं ये बताता हूँ कि इसका इंक सिस्टम को खोल के देखते हैं दोस्त, जो भी आपके पास लाई भी है। और यूजर हमारे पास ये खुला ही लेके आए हैं, इसका क्या होता है, एक इधर का ढक्कन होता है, एक इधर ढक्कन होता है, ऊपर का इसका स्कैनर यूनिट होता है, ओनली फॉर इसमें स्कैनर होता है। ये एप्सन L380 प्रिंटर है। तो चलिए इसका इंक सिस्टम को किस तरीके से ओपन करेंगे इजीली, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आप वीडियो में बने रहें, थोड़ा सा लंबा होगा, मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले देखिए इंक सिस्टम खोलने के लिए, इंक सिस्टम हमारा यहाँ पे रहता है, तो सबसे पहले आप इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्रू है, देखिए स्क्रू भी नहीं है, यहाँ पे गुम कर दिया, बट यहाँ पे रहता है दोस्त, नहीं डाला है। और इसको थोड़ा सा ये देखिए इधर लेफ्ट को करेंगे ना, ये देखिए ये ओपन हो जाएगा, ये सही में नया लगाया है दोस्त, ये देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, कोई ऐसा नुकीला वाला चीज़ की मदद से आपको क्या करना है ना, जो इसका फ्रंट का ट्रे है, जो पेपर पिकअप ट्रे है, पहले ट्रे को ओपन करेंगे। तो चलिए इसको ओपन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आप नीचे कर दें, और देखिए यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा सा करेंगे, ये याद रहे यहाँ जोर से खींचने से टूट सकता है, तो आप आराम से खींचें। देखिए एक स्प्रिंग है, ये है, ये हमारा बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा नीचे का लीवर है दोस्त, तो आप लीवर को एक हाथ से दबाएँ और दूसरा हाथ से क्या करें ना, ये देखिए यहाँ पर प्रेस फिटेड है, ये देखिए ये इसका पाइप है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट क्या आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊँगा। देखिए यहाँ पे ये प्रेस करेंगे ना, ये देखिए ये हमारा ये बाहर आ गया, इसमें कुछ नहीं, एक स्प्रिंग है, एक लीवर है, इसको मिला के बताऊँगा, अभी फिलहाल मैं खोलता हूँ। देखिए एक ये लीवर है, एक ये स्प्रिंग है, इसका खास ध्यान रखें। देखिए सही में दुकान वालों ने क्या है फीडर तो नया डाला है, अब देखते हैं। मैं किसी का मतलब ले डाउन नहीं कर रहा हूँ दोस्त कि उनको रिपेयर करना नहीं आ रहा है, ऐसा मेरा कुछ बनाने का मकसद नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो वो बोले कि ये रिपेयर ही नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आप ये मोटर का ये निकाल दें और ये भी निकाल दें, उसके बाद आप क्या है ना, यहाँ पर एक स्क्रू मिलेगा आपको, ये भी खुला हुआ है, जिसको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त कि हम पूरा लीवर को नहीं खोलेंगे, अगर यहाँ खोल लेंगे तो इसको ना आराम से, ये देखें ये वाले स्प्रिंग को आपको निकालना है, उसके बाद इसको पीछे करेंगे तो ये देखें पूरा लीवर आपका हाथ में आ जाएगा। ये देखें ये हमारा खोला तो है, किसी ने साफ सफाई किया है ये। अभी क्या करेंगे, एक स्क्रू देखिए यहाँ पे रहता है, एक सबसे पहले देखिए यहाँ पे है, तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, बाकी को आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खोलने पर क्या है आपको फिर ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। कोई वीडियो में आप देखेंगे कि इंक सिस्टम को खोलने के लिए पूरा ओपन किए, पूरा ओपन नहीं करना है दोस्त, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मोटर को यहाँ से लूज कर लेने, तो ये केबल टूट जाएगा ऊपर करेंगे तो। क्या है हम अभी थोड़ा सर्दी होकर रखा है, इसलिए अगर मेरा थोड़ा साउंड हैवी आए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए एक यहाँ पर है, आपको मैं पूरा वीडियो दूंगा मेरे चैनल पर, कभी भी आपको ऑथेंटिकेट और ओरिजिनल वीडियो ही मिलता है, कोई भी बकवास वीडियो मैं नहीं बनाता हूं दोस्त। अगर कोई वीडियो बना रहा हूं हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस वीडियो का कुछ ना कुछ मतलब है, बिना मतलब का मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ। अभी देखें इसको ना जैसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अभी देखता हूँ कहाँ फंसा रहा है, एक मिनट, इसलिए आपको ये देख ज़्यादा नहीं, इतना ही खोलना है, इससे हमारा इंक सिस्टम खुल जाएगा। ये थोड़ा सा लूज हुआ, इसको खोल के इधर कर लेते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे स्क्रू है, देखिए इंक सिस्टम निकलेगा कैसे बताता हूँ मैं, बहुत इजीली निकाल दूंगा मैं, जबकि 380 का इंक सिस्टम निकालने में यहाँ से नट खोले। अब इसको थोड़ा सा वो कीजिए, अभी ऐसे निकलेगा नहीं, अभी देखिए कैसे निकलेगा इसका। एक ये देखिए लॉक है कहाँ पे, ध्यान से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये
इसको क्या है, थोड़ा सा आपको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। जबरदस्ती करेंगे तो क्या है, ये लॉक टूट जाएगा। कभी भी इसमें जोर जबरदस्ती ना करें। और आप क्या करें, ये इंक सिस्टम को निकालने से पहले ना इसको भी निकाल लें। चलिए मैं एक बार इसको भी निकालता हूँ। कभी भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, निकलेगा। इसको देखिए मैं ओपन कर लिया, इसको यहाँ पर रखा क्योंकि हमारा इंक ऑलरेडी लॉक है, कुछ नहीं होगा। और इसको भी खोल लेते हैं। इसको खोलने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे करना पड़े तो ईजिली हो जाएगा। देखिए इसको खोलने के लिए क्या, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है। सबसे पहले इसको आप यहाँ से डाउन करें, ये देखिए डाउन हो गया, निकल गया स्प्रिंग। ये इन स्प्रिंगों को आराम से रखिए एक जगह, ये तो घूम होने में क्या है फिर दिक्कत परेशानी हो सकता है। उसको स्प्रिंग को निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको निकालें और इस लीवर को निकालें। ये मेन यही लीवर है, देखें नीचे वाला लीवर, ये नीचे वाला लीवर को पहले आप निकालें। ये आराम से निकलता है ईजिली, ये इस तरीका से साँचे में फिट रहता है। ये निकला, फिर यहाँ से क्या, इसके पीछे भी एक स्प्रिंग है, ये देखें। अब आपको इसको भी निकालना पड़ेगा। इसको सही में किसी ने खोला है, ये देख सकते होंगे यहाँ पर पैड भी उन्होंने डाला है। अब क्या करेंगे इसको हम, ये देखें ये मेरा इंक सिस्टम बाहर आ गया। अब ये भी चेक करेंगे दोस्त कि ये ब्लॉकेज तो नहीं है, अगर ये ब्लॉकेज भी रहेगा तो दिक्कत है। तो सबको खोल ही लिए तो पूरा ही चेक करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप वीडियो में बने रहे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दे दूंगा। देखिए ये इंक सिस्टम खोलने के लिए क्या करेंगे, जो मैं बताया था आपको, इस लॉक को आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहीं पे होता है, ये देखिए ये वाला। मैं निकालने के बाद आपको बताऊंगा किस तरीका से ये प्रेस नहीं हो पा रहा है। प्रेस हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से प्रेस करना है, ये छोटे वाला देख रहे हैं, मैं आपको वीडियो में जूम करता हूँ। ये क्या है, मेरा मोबाइल गिर गया, कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्त मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा दिक्कत है दोस्त, कुछ दिन में जैसे ही पैसे आएंगे ना, मैं अच्छा कैमरा खरीद के आपको अच्छा से अच्छा सेटअप देने की कोशिश करूँगा। बीच में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो गए, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे अब देखिए कौन सा लॉक होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ईजिली निकल जाएगा, ये देखिए हमारा इंक सिस्टम है, ये देखिए यही लॉक क्या है ना, ध्यान से देखें, मैं लाइट को एक बार बंद करता हूँ। ये देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, अभी लाइट को ऑन करते हैं, रुको। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये हमारा जो लॉक है ना, ये थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रहा होगा, इसको प्रेस करेंगे ना तो ये निकल जाएगा। अब चलिए इंक सिस्टम को मैं खोल लिया हूँ, अब प्रिंटर को थोड़ा साइड करते हैं, पहले इंक सिस्टम की ही बात करते हैं। इसको यहीं पर रखता हूँ, इसको किसी ने ओपन तो ज़रूर किया है क्योंकि वायलिंग वगैरह किया हुआ है। चलिए देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या है। अभी क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे दोस्त, ये वाले लॉक है ना, इसको प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपको ये देखें, ये आ जाएगा बाहर। बाहर आने के बाद ये वाला जो है, ये देखें ये निकल गया। देखिए इसमें गलती तो कुछ नहीं है दोस्त, मेरे हिसाब से ये इंक सिस्टम सही है, क्योंकि देखिए ये गलती इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको खोलिएगा ना, ये बीच में ही रहना चाहिए, साइड में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल बीच में है, ये देख सकते हैं ब्लैक वाला पाइप। ये इंक सिस्टम में कोई मेरे हिसाब से गड़बड़ी नहीं है, कहीं और भी फॉल्ट होगा। चलिए मैं उसको चेक करता हूँ। आप क्या करें ना, एक बार एयर पास करके देखें, देखें ये तो एयर ले रहा है, एयर ले रहा है, सब ले रहा है, इसी ने इसमें गलत उनको गाइड किया यूजर को, इंक सिस्टम ख़राब हमारा नहीं है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ खोलने के बाद। क्योंकि देखिए खोलने से पहले तो हमारे को भी पता नहीं चलता है दोस्त, क्योंकि अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को लगा कभी कभी कोई यूजर मिस्त्री क्या करते हैं ना, ये काला वाले को नीचे कर देते हैं, ये देखें। तो नीचे करने से क्या है, आपको दिक्कत आ जाएगा, इंक सिस्टम आपका नहीं चलेगा। नीचे नहीं होना, इसके मिडिल में रखना है दोस्त। ये देखिए ये लीवर होगा एक, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये वाइट वाला लीवर है ना, इन दोनों के बीच में ही रहेगा और एकदम बीच में ही है, तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है वो। ये देखें ये फर्स्ट क्लास पाइप, ये नहीं, इंक सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है दोस्त,
इसको मैं लगा देता हूँ। अगर किसी ने बोला तो वो गलत बोला है, ठीक है। इसको लगाने के लिए सिंपली है, देखें ये वाले भील है ना, इसको पहले लगा दे, लग गया। उसके बाद क्या करें, ये लीवर है हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा तिरछा करें, यहाँ पे तिरछा करने के बाद इसमें ये जाएगा। ये देखिए हमारा इंक सिस्टम रेडी हो गया। इंक सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम कहीं और ही है। तो चलिए फिलहाल मैं इंक सिस्टम को लगा देता हूँ। या ऐसा करता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, हो सकता है ये ब्लॉक होगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप ये ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे, मैं बताता हूँ। तो देखें दोस्त, अभी इसको किस तरीका से चेक करेंगे आप। ऐसा वाला ना, ये क्या होता है, जो लोगों को पानी चढ़ाने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं ना, वो वाला पाइप है। इसको थोड़ा सा काट के इसमें डालें, डाल दिए। अभी क्या करेंगे, इसका वाटर टेस्ट करेंगे। देखिए इसका वाटर टेस्ट कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हूँ, तो आप इसका वाटर टेस्ट किस तरीके से करेंगे। इसके ऊपर ना थोड़ा सा वाटर डालें, इसके अंदर कोई कार्ड वगैरह नहीं होता, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वाटर आया, इस वाटर को करें और इसको मुंह से खींचें। देखें पानी आ रहा है ना इसमें, देखें अब मुँह से अच्छा डोज कचड़ा आ जाएगा। आप को इंजेक्शन की मदद से इसको खींचें, ठीक है। अभी देखें मैं इसमें एक इंजेक्शन लगा लिया हूँ, ठीक है। अभी इसका वाटर टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब ये देखना है बेसिकली, कुछ नहीं है दोस्त कि ये जाम तो नहीं है, मेरा करने का मतलब वो है। आप वाटर से क्या होता है ना कि ये थोड़ा ज़्यादा पतला, इंक से तो थोड़ा सा पतला है ये दोस्त। अब देखो इसको ऐसे मैं सकिंग करूँगा, ये देखिए फर्स्ट क्लास पूरे पूरे वाटर इसमें आ गए। इसका मतलब ये ठीक है, एक दो बार इसको कर दे। ये देखिए अब थोड़ा सा एयर भी देते हैं, देखिए एयर को भी ले रहा है। ये देखिए लिया, फिर से खींचते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो, ये देखिए पूरे इसको लिया, मतलब ये हमारा ये भी सिस्टम ठीक है। अब चलिए इसको मैं पीछे करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी इनको मिस गाइड किया है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है फॉर्मेटर कार्ड का चिप उप में प्रॉब्लम हो, मैं भी चेक किया नहीं। और नहीं क्या है, जैसे ही लेके आए, मैं कभी ऐसा नहीं करता दोस्त कि वीडियो बनाता हूँ फिर एडिटिंग करता हूँ फिर डालता हूँ, बनाया बस ऐसे आपके सामने जो भी है लाइव ही करता हूँ। चलिए पहले इसका इंक सिस्टम लगा लेते हैं, देखें इंक सिस्टम इसका लगेगा कैसे। अभी खोल तो दिए तो लगाना भी है, लगाने के लिए कुछ नहीं है, पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। साफ करने के बाद मैं बताता हूँ। अभी देखें सबसे पहले जो इसका छोटा वाला पाइप है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहता है, ठीक है। बड़ा वाला पाइप को क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे से डालना है, ये देखें इसका ना नीचे से ही डलेगा। इसको निकाल लेते हैं फिर डाल देंगे। ये देखिए ये नीचे आएगा और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये चला जाएगा नीचे, क्योंकि वहीं पे हमारा वो होता है। और क्या करेंगे इसको, ये देखिए लगाने के लिए आप इसको, मैं सीधा एक बार करता हूँ, ये बहुत ईजी लग जाता है। देखिए ये हिल गया है मेरा इंक सिस्टम, इसको पूरा पहले इसको लॉक हुआ नहीं है, देखता हूँ किस वजह से लॉक नहीं हुआ। अगर लॉकिंग नहीं होगा सही से तो फिर क्या है आपका बैठा नहीं इंक सिस्टम में, इसको बैठा लेता हूँ पहले, अभी भी नहीं बैठ रहा है, देखते हैं क्या रीज़न है। ये भील है ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अभी पहले इंक सिस्टम को सही से बैठाएं दोस्त, नहीं बैठाएंगे तो दिक्कत आएगा। देखते हैं अभी, दोनों केस में ऐसे ही हो रहा है। चलिए मैं बैठाता हूँ, कोई नहीं बैठ जाएगा। थोड़ा सा पहले ऊपर करते हैं, ये क्या है, दोनों भील को एक साथ ही डालना पड़ेगा आपको। ये देखें
अभी ये हमारा ये लॉक करना है, ये लॉक अभी आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या आपको पूरा प्रिंटर को ओपन करना पड़ता है, लेकिन हम सोचे कि पूरा प्रिंटर ओपन करने से अच्छा है आप यहीं से, थोड़ा सा दिक्कत आएगा यहाँ पे। ये देखें लग गया हमारा, अब ये देख लें कि हमारा लॉक यहाँ पे देखें, ये लॉक होना चाहिए, लॉक हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लगा दें। ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको आप टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद क्या करेंगे, इसको सेम बैठा लेते हैं जहाँ से ओपन किए थे। ये देखें इसमें बैठता है, ये बैठ गया, इसको यहाँ पे करते हैं दोस्तों। और ये भी देख लेना है, ये भी हमारा बैठ गया, दोनों बैठ गया। अब क्या करते हैं, इसके स्क्रू को जल्दी से लगा लेते हैं, नहीं तो क्या है ये लूज हो जाएगा। इसको लगाने के लिए आप यहाँ पे, हमें पता नहीं था दोस्त, पता होने से हम इसको इतना नहीं ओपन करना था, बाहर से ही चेक करते क्या फॉल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको यही पता चल गया किंग सिस्टम किस तरीके से ओपन होता है। देखिए ये यहाँ पे भी स्क्रू है, इसको भी मैं टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने में सबसे पहले इस केबल का खास ध्यान रखें, अगर टूट गया तो फिर हमारे क्या है मोटर सोल्डिंग करना पड़ेगा। ये देखिए ये यहाँ पे, यहाँ से ये लॉकिंग होगा, इसका वायर ही है दोस्त और कुछ नहीं है, एक यहाँ पे है ये, दूसरा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसके केबल पे कंपनी इसलिए दिया है कि केबल कट ना जाए और ये यहाँ पे लग जाए। चलिए मैं लगा के देखता हूँ इस तरीका से, अब मैं कर लेता हूँ। अब देखिए इसको हमने थर्मामीटर कार्ड में, ये हमारा मोटर का है ठीक है, ये लग गया। अभी क्या करेंगे, इसको लगाएंगे जो हमने ऊपर किया था, इसको करते हैं नीचे जी। इसको यहाँ पे एक स्क्रू की मदद से इसको भी, लेकिन इसको भी कसते नहीं है, इंक सिस्टम लगा नहीं है फिलहाल, पहले मैं इंक सिस्टम को लगा दूँ, क्योंकि इंक सिस्टम लगाने में दिक्कत करेगा। इंक सिस्टम लेके के लिए क्या करेंगे, देखें ये पाइप है ना, सबसे पहले इसको अंदर तक डालना है जितना तक जाता है, यकीन कर लें कि अच्छा तरीका से लग गया, नहीं तो दिक्कत आपको ही आना है। इनके दो स्प्रिंग है ठीक है, एक ये वाला अंदर का है, तो सबसे पहले अंदर वाला देखें कैसे लगेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है दोस्त इसको लगाने में, लेकिन जब लगाएंगे तो इतना भी क्रिटिकल नहीं है, सब हो जाता है। ये हो गया, अभी हम क्या करेंगे, इसका पैड मैं डाल देता हूँ, जो पैड था, पैड इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत इंक अगर यहाँ गिरेगा तो इसको क्या है ना ये सक कर लेगा और कुछ नहीं होगा, तो पैड डालने का मतलब यही है, थोड़ा बहुत तो इंक गिरता ही है। अभी क्या करेंगे, देखिए ये हमारे लीवर हैं ठीक है, इसको भी मैं क्या है अच्छी तरीका से पहले साफ कर लेता हूँ। साफ करने के बाद इसको डालते हैं, सबसे पहले ये लीवर ही जाएगा दोस्त इसमें, याद रहे, देखिए बहुत ईजी है, पहले इस लीवर को आप डालें, डल गया ये, ये ऐसे डल गया। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा ये देखिए इसका स्प्रिंग निकल गया, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है लगाने में, बट कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। आप वीडियो में बने रहे, मैं लगा के आपको दिखा दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जगह है, तो थोड़ा सा आपको अभी देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले आप नीचे वाले में फंसा, फंस गया, उसके बाद इसको आप एक हाथ से क्या है इसको पकड़ के रखें,
लग गया, थोड़ा सा दिक्कत आता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए स्प्रिंग लगाने के बाद क्या करें ना, सबसे पहले इस लीवर को आप बैठा लें, यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद क्या करें, ये जो हमारा वाइट वाला है ना, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, ये देखें, ये इसमें जाएगा दोस्त, ठीक है, ये वाइट वाले में ही जाएगा और ये जाएंगे नीचे, ये जो लीवर है ये ये देखो। अभी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ सिंपली, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है, थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा ही। सबसे पहले आप नीचे वाले स्प्रिंग को लगाएं, ये दोनों, एक लीवर अंदर जाएगा एक बाहर रहेगा, ठीक है, ये लीवर ये वाइट वाले के अंदर जाएगा, ये वाइट वाले जो पट्टी है, उसके बाद यहाँ आएगा और ये भी अंदर जाएगा। अभी देखें, अभी भी इसमें एक चीज़ और बचा है, ये स्प्रिंग। अभी इस स्प्रिंग को लगाने के लिए देखिए इजीली तरीका क्या है, ऐसे नहीं लगेगा, आप परेशान रहेंगे, मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखें इसको क्या है ना, एक ऐसा वाला वायर लें और थोड़ा सा आगे से उसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, नीचे बैठ जाए कोई चेयर पे, और देखिए सबसे पहले आपको नीचे वाले पे लगा लिया और एक हाथ से ऐसे पकड़ लेना है, एक हाथ से नहीं पकड़ेंगे तो स्प्रिंग आपका कभी भी नहीं आएगा, और दूसरा वाला स्प्रिंग का जो भाग है उसमें इस वायर को फंसा है, और देखें इस तरीका से चढ़ा नहीं दोस्त, एक मिनट चढ़ जाएगा, कहीं भी हड़बड़ी ना करें, हड़बड़ी में टूट जाएगा, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आराम से करें। अभी देखें मैं बैठ के चढ़ाता हूँ फिर बताता हूँ, ये चढ़ गया। अभी देखिए अब ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ये देखो ऐसे ऐसे करने 5-7 बार ताकि ये एडजस्ट हो जाए, ये ऐसे सिस्टम करना चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको लगाएंगे सिंपली, ये देखो ये हमारा सिस्टम बैठ गया, यहाँ पे एक स्क्रू है, थोड़ा सा मेरे को खांसी हो गया है दोस्त, तो ऐसा नहीं समझे आप लोग की वीडियो में सर आपका साउंड सही नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉलेज से मतलब है, मेरा खांसी से क्या लेना देना है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं बीमार भी रहूँ तो आप इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो दूँ ताकि आप बेरोजगार ना रहे दोस्त, सीख के कोई दुकान खोलेंगे तो आज के डेट में क्या है टेक्निकल युग है, हमारे को तो जो आना है आता ही है, नए वीडियो बनाएंगे तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो है ही, हम सोचते हैं दूसरे को भी शेयर करें, कोई सोचता होगा यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है पैसा कमा रहा होगा, ये मेरा मकसद कुछ नहीं है पैसा कमाना, नहीं भी आएगा तो हमारे पास पहले से बहुत पैसे पड़े हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेल्ट को लगाएं, तो बेल्ट कैसे लगेगा, ये देखिए बेल्ट पहले देख लें कि तिरछा उरछा तो नहीं है, इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा दोस्तों, तब क्या है ना बेल्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा फर्स्ट टाइम में अगर आप करेंगे तो, थोड़ा सा तो परेशानी आता ही है। अभी देखें ये हमारा रोलर है, इसका इसी पे बेल्ट चलता है, अब क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ वाला स्क्रू को लगा लें, बिना स्क्रू लगाए ना लगाए, मैं देखता हूँ कहाँ पे रखा हूँ, देखिए कहाँ वाला छोड़े थे, यहाँ पे स्क्रू अगर कहीं छूट गया ना तो क्या होगा, प्रिंटर चलने वक्त अगर लूज रहेगा तो क्या है, वाइब्रेट करने से क्या है, फिर आपको एरर मैसेज देगा, जाम वगैरह फिर आपको लगेगा पता नहीं। एक चीज़ और आपको यूनिक चीज़ बताता हूँ दोस्त, अगर प्रिंटर को आप कभी ओपन कर रहे हैं और ओपन करने के बाद कोई एरर आ गया तो आप समझिए कि जिस सेक्शन को हमने ओपन किया था उसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बाकी को आप ना छोड़ें। YouTube पे आपको 1000 वीडियो मिलेगा, ये करो वो करो तो क्या है, देख के ही करना है तो और प्रिंटर खराब हो जाएगा। अब ये देखें ये दूसरा मैकेनिक के पास से आया हुआ है, ये भी रिपेयर नहीं हो रहा है, चलिए मैं इसको आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, रेडी तो पक्का करूंगा दोस्त, बाकी अंदर की बात है क्या है नहीं है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता।
अभी देखिए ये हमारा सिस्टम लग गया। लगने के बाद में एक बार अभी क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक ये लगाए, स्क्रू को लगाए, उससे क्या होगा ये, और इसको भी क्या टाइट ना करें। सबसे पहले ये स्प्रिंग, अगर ये स्प्रिंग आपने नहीं लगाया, छोड़ दिया, तो पता है क्या होगा, प्रिंटर एक सी करके साउंड देगा, पेपर जाम हो जाएगा या प्रिंट भी गिरगिट करेगा, सही से हेड की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ऐसा फ्लैट वाला स्क्रू ड्राइवर रखें और इसको ना यहाँ से ऐसे पकड़िए, थोड़ा सा इसको आराम से एक हाथ से, क्योंकि ये स्प्रिंग है जो थोड़ा सा तो दिक्कत करता ही है। लग गया, देखिए हमारा मोटर, मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ, देखिए ये, देखिए ये घूम रहा है। अब ये हमारा, एक बार डिक्स को भी चेक कर लें, वो सेंसर के अंदर से आया हुआ रहना चाहिए, नहीं तो क्या है, ये देखिए ये भी लग गया। अभी चलिए मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, इसको ये दिखाता हूँ कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और कर लेता हूँ, देखता हूँ इसका इंक सिस्टम। कभी कभी क्या होता है दोस्त, ये टिक सब आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर इंक ना जाए ना उधर, तो इसको आप ओपन करें, ये सब क्या होता है, जनरल ट्रिक है, ये देखते हैं। इनमें क्या होता है, कभी कभी मतलब ज़्यादा इंक कोई खींच देंगे ना, थोड़ा थोड़ा एयर रहना चाहिए, तब भी ये नहीं खींचेगा। तो चलिए फिलहाल मैं कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, अभी इसको मैं करता नहीं हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको करके बताऊँगा, इंक तो ये आएगा ही आएगा। फिलहाल मैं इसको क्या है ना लगा देता हूँ, इसको भी नहीं खोलता हूँ, बट मैं आपको ये जानकारी दे दूँ इसका ये प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्त। अभी मैं इसको लगा रहा हूँ, ठीक है, और चलिए मैं ये दिखाता हूँ कंप्यूटर पे, ये पहले रेडी नहीं हो रहा था मशीन, अभी ये रेडी हो रहा है, पेपर भी नहीं ले रहा था, इसमें दो प्रॉब्लम था, अब ये देखते हैं दोनों प्रॉब्लम में से क्या सॉल्व हुआ है। अब देखें क्या लगाएंगे, इसका फीडर, फीडर तो ठीक है दोस्त, अभी हम क्या करेंगे, फीडर देखिए लगाने का सिंपल ईजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इसमें स्प्रिंग को डालें, डाल दिए, एक हाथ से पकड़ें और दूसरे वाले को यहाँ से डालें, इसको ऐसे पकड़ें, ये सब टेक्निक से क्या है ना आपको काम करने में क्या इजी हो जाएगा। ये देखें इसको फंसा दिए, अब ये डाल दीजिए, डालने के बाद इसको लगा दीजिए, और ये हमारा रेडी, ये देखें। अब लगाने के लिए सेम क्या करेंगे, एक हाथ से इसको दबाएं, इस लीवर को, नहीं तो ये बहुत डिस्टर्ब करेगा, और दूसरे हाथ से आप इसको लगा, लग जाएगा। देखते हैं कहाँ दिक्कत कर रहा है, एक मिनट, ये देखिए दिक्कत कहाँ कर रहा है, हेड को करें आगे, इस लीवर को करें पीछे, अब दिक्कत नहीं करें, क्या लग गए, इसको एक बार रोटेट करके देख लें, ठीक है ना, ठीक है। इस रोलर का खास ध्यान रखें दोस्त, इस रोलर पे कभी भी ना वाइल वगैरह का यूज ना करें, अगर वाइल चला गया तो आपका पेपर हमेशा फंसाता रहेगा, नया भी लगा दिए फिर भी फंसा, इसलिए मैं थोड़ा मैं इसको भी साफ कर लेता हूँ। इन पे पक्का वाइल ना लगाएं, इसको वाटर वाटर वॉश करें, ठीक है, वायर लगाएंगे दिक्कत आ जाएगा, ये स्प्रिंग वगैरह में वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वायर के लिए ये जगह नहीं है। लगा दिए, अभी देखें इसको डालें और आराम से यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ गया, इसका एक स्क्रू है, इसको लगा देते हैं, तो अभी फिलहाल लगा दिए हैं। देखिए दोस्त इसको भी लगाता हूँ,
ये हमारा ये हो गया रेडी। अब क्या करेंगे, इस ट्रे को लगाएंगे, इसको ट्रे लगाने के लिए बहुत ही तरीका है। ये देखें, इस स्प्रिंग को पहले यहाँ पे फंसा लें, फंसाने के बाद एक हाथ से इसे प्रेस करें और इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे डल गया। डलने के बाद ये देखें, ये अगर सही से बैठा तो इजीली जाएगी, अगर नहीं बैठा तो दिक्कत करेगा। ये देखें गया, ऐसे ऐसे करके देख लें। चलिए अभी मैं रेडी कर दिया, अभी मैं आपको क्या वीडियो को पॉज करके कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया हूँ, पावर दे दिया, अब मैं पावर को करता हूँ ऑन। ये देखिए ऑन तो हो गया, अब ये देखता हूँ मैं कि रेडी हुआ या नहीं हुआ। चलिए सिंक सिस्टम को नीचे रखते हैं। देखिए ये लाइट जल रहा है, स्कैनर फिलहाल लगाया नहीं हूँ, तो ये स्कैनर का दो लाइट इरर देगा, बाकी मेरे हिसाब से तो अभी कोई इरर नहीं है। देखिए बेस्ट इंक वाले में ना एक ऐसा इंजेक्शन लगा के इस एक कोई क्लॉथ के ऊपर रख लें, ताकि इसका जब इंक निकलेगा ना। अब चलिए मैं आपको कंप्यूटर पर लेके चलता हूँ, ये देख सकते हैं, ये हमारा है प्रिंटर। मैं आपको ये पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले इसका देखते हैं ड्राइवर है या नहीं है, ड्राइवर चेक करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं। ये देखिए अभी भी मूव कर रहा है, रेडी नहीं हुआ है फिलहाल। अगर ये रेडी होगा तो आगे का फ्रंट का ये दोनों लाइट ब्लिंक होना चाहिए, स्कैनर का इरर देगा, तो इस तरीका से होना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल हुआ नहीं है, अभी देखते हैं कब तक ये रेडी होता है। अभी देखिए हम चलते हैं कंप्यूटर पर, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसका ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो मैं देखता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं डिवाइस एंड प्रिंटर पर लेकर चलता हूँ, फिर देखता हूँ अगर ज़्यादा वाइट वाला कुछ। डिवाइस एंड प्रिंटर में जाने के बाद ये L380 का ड्राइवर दिख रहा है दोस्त, आपको तो नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका इतना ब्राइटनेस है मॉनिटर का। देखिए ये रेड लाइट आ गया, ये रेडी है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम पावरिंग फ्लशिंग को चलाएंगे। पावरिंग फ्लशिंग सबको पता है कैसे चलता है, वीडियो तो नहीं आ रहा है दोस्त मॉनिटर का, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या है, ये देखें। चलिए यहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको क्या है थोड़ा तैयार करता हूँ। देखो पावरिंग फ्लशिंग कैसे चलेगा, आप क्या करें, ये जो ड्राइवर दिख रहा है आपको, इस पर जाएँ, इसका प्रिफरेंस में जाएँ, ये खुलेगा, इसका आप क्या है मेंटेनेंस में जाएं। ये देखिए लिखा है पावरिंग फ्लशिंग, अब जैसे ही करेंगे, अब अगर प्रिंटर रेडी नहीं होगा ना तो इसमें कुछ हरकत नहीं होगा। अब देखते हैं मैं चला के, ये देखें ये प्रिंटर आपके पास ही है, देखते हैं कुछ हरकत होता है नहीं होता है। ये स्टार्ट नहीं किया, मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट कर दिया हूँ, अब देखता हूँ दोस्त अगर ये रेडी होगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा। ये देखें अब देख सकते हैं, देखें हेड की मूवमेंट, ये देखें इसका मतलब ये मशीन रेडी हो गया। अभी मैं ये देखता हूँ दोस्त को इंक को, ये इसका सबको खोल लेता हूँ, इंक हमारा पास करता है या नहीं करता है पावरिंग फ्लशिंग में, बस ये देखना है, वही एक चीज़ बचा है। अगर इंक को यहाँ से पास कर देता है वो दोस्त तो प्रिंट आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या है, अभी तक तो फिलहाल आया नहीं इंक, इंक आएगा तो आपको लाइव इसलिए मैं लगा दिया हूँ, ठीक है, अगर आएगा इंक तो पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे एक वाइट कपड़ा भी रख देते हैं, अगर थोड़ा सा भी इंक गिरेगा इस पर तो क्या है हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी आया नहीं है फिलहाल दोस्त। मैं क्या कभी लाइव ही वीडियो बनाता हूँ, देखते हैं मैं वीडियो करता हूँ पाउस, क्योंकि लंबा हो जाएगा। देखिए दोस्त फ्लश तो चलाया बट क्या इंक नहीं आया, तो चलिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं ये जो ये प्रॉब्लम इसमें था कि ये रेडी नहीं हो रहा था, अब देखिए मैं इसमें एक प्रिंट मारता हूँ कंप्यूटर से, ठीक है, ये प्रिंट तो अभी फिलहाल ब्लैंक पे देगा दोस्त, ठीक है।
क्योंकि इसका हो सकता है हेड वगैरह चौक होगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं ये दिखाता हूँ प्रिंट उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। देखिए मैं प्रिंट दे दिया, अभी देखिए ये हेड हमारा मूवमेंट किया। अब देखते हैं ये पेपर को उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। बस पेपर नहीं उठा रहा था दोस्त, ये मशीन ही रेडी नहीं हो रहा था। ये देखें सक्सेसफुली पेपर को भी उठाया है और हेड हमारा क्या है ना थोड़ा थोड़ा प्रिंट किया है, देख सकते हो। वो चलिए वो मैं कर दूंगा दोस्त, तो इंक अभी इसमें नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो वो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। थोड़ा सा मेरे वीडियो बनाने में आपको क्लियरिटी नहीं मिलता होगा दोस्त, बट नॉलेज पूरा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।